सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का अपनी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करता हूं। और ये जो एक अच्छी पहल आपने शुरू करी है, क्योंकि जो दो साथी हमारे जिनकी याद में आप ये टूर्नामेंट करवा रहे हो वो हमारे परिवार का हिस्सा थे, ये बहुत खुशी की बात है, सराहनीय कदम आप लोगों ने उठाया है। तो इसके लिए मैं आप सभी साथियों को बधाई भी देता हूँ और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। और एक बड़े नरम स्वभाव से और भगवान को साक्षी मान के बात और कहता हूँ कि भविष्य में अगर आप अगले साल ऐसे ही टूर्नामेंट कराओगे, आपकी टूर्नामेंट पे जो भी खर्चा होगा, चाहे 50,000 रुपये होना चाहे 1,00,000 रुपये खर्च होने, वो मैं दूंगा भाई साहब आप लोगों को। क्या मानते हैं खेलों को लेकर, जिस तरह से अब पत्रकारिता क्षेत्र से अलग समय निकालकर पत्रकारों ने भी इस खेल में खेलों का महत्व छोटे भाई, जो खेल है ना, खेल से हमारे कई तरह के उद्धार होते हैं। एक तो जो अभी आप खेल रहे हो ना, आपका जो पूरा माइंड है ना वो ग्राउंड के अंदर है, आपका माइंड कहीं भी डाइवर्ट नहीं है। तो अगर हम खेल रहे हैं, हमें किसी भी साथी को चाहे कोई भी व्यक्ति है उसे कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए आज के इस दौर के अंदर, क्योंकि जो आज हमारा खान पान है वो इतना दूषित हो चुका है, उसको हजम करने के लिए कोई ना कोई तो किसी न किसी बहाने से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो आप खुद भाजपा में एक वरिष्ठ नेता है, भाजपा में पदाधिकारी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरकार द्वारा खेल की नीतियों को लेकर लगातार? सरकार की काफ़ी नीतियाँ ठीक भी हैं और बहुत सी नीतियों के अंदर सरकार को सुधार भी लेके आना पड़ेगा। जैसे पीछे गांव के अंदर स्टेडियम बनाए गए हैं, लेकिन एक बारी स्टेडियम बना के दोबारा उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। हमें रूटीन में जिस तरह से हम डेली अपने नहा के कपड़ों को बदलते हैं, तो हमें हर ग्राउंड को, हर कोच को, हर खिलाड़ी को डेली की अपनी प्रक्रिया के अंदर ऐसी योजनाओं को लेके आना पड़ेगा, तब जाके हम कामयाब होंगे। मैं खुद भी हरियाणा की, जब मैं पढ़ता था 87, 88, 89 के अंदर जाट स्कूल के अंदर, मैं खुद भी कबड्डी का खिलाड़ी रहा हूँ, हरियाणा की टीम में मैं पार्टिसिपेट करता था और लगभग 7 से 8 लाख रुपया मैं अपने निजी कोच से हर वर्ष खिलाड़ियों को देता हूँ। और मैं ताई कमांडो का अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी हूँ और प्रेसिडेंट भी हूँ। तो खिलाड़ी ही एक ऐसी गेम है, एक ऐसी जाति है जिससे हम अपने जितने भी जो जहर फैले हुए हैं जाति पातियों के, हम इनको दूर कर सकते हैं। अभी मुझे बड़ी खुशी मिल रही है कि यहाँ पे 36 बिरादरी के भाई इकट्ठे होकर ये गेम खेल रहे हैं। तो मैं तो आप सभी साथियों के चैनल के माध्यम से यही सभी साथियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने पहल की है, हर व्यक्ति ऐसी एक अच्छी पहल करके वो गेम के अंदर आए, कोई भी गेम खेले, किसी भी गेम में खेलो, किसी भी गेम में हिस्सा लो, तो पूरे कैथल को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को भी खिलाएं और खुद भी खेलें, क्योंकि तभी हम फिट रहेंगे।